उम्मीद है कि आशिकों की बस्ती में अब फौजी को भी एक घर मिलेगा। एक दिन की बात है, अचानक सीमा पर बमबारी होने लगी, सब इधर उधर भागने लगे, अफरा तफरी मचने लगी। तभी एक फौजी के पास एक चाचा आते, उनसे कहते कि अरे फौजी साहब, आप भी यहाँ से भागिए, वरना आप पर भी बम गिर सकता है और आपका सर कहीं और धड़ कहीं और मिल सकता है। ये बात सुनकर फौजी ने बड़े मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि हो जाने दो बमबारी, ये आफत वही पुरानी है। हो जाने दो बमबारी, ये आफत वही पुरानी है, कट जाए तो कट जाने दो, शीश मेरा अभिमानी है। शीश कटे पीछे नहीं हटते, यही हमारी कहानी है। शीश कटे पीछे नहीं हटते, यही हमारी कहानी है। जो देश के काम ना आ सके वो बेकार जवानी है। कसम है इस मिट्टी की, कसम है इस मिट्टी की, जो कर्ज ना इसका चुका सका। कसम है इस मिट्टी की, जो कर्ज ना इसका चुका सका। धिक्कार है उस योद्धा पर जो दुश्मन का शीश ना झुका सका। रुक जाएंगी सांसें मेरी, रुक जाएंगी सांसें मेरी, छल्ली होगा सीना मेरा। रुक जाएंगी सांसें मेरी, छल्ली होगा सीना मेरा। देश के खातिर लड़ जाऊं, सफल हुआ अब जीना मेरा। तभी तभी वो चाचा फौजी का हौसला बढ़ाते हुए फौजी से कहते हैं कि अब गिरकर फिर से खड़ा हुआ तू, अब बस चलते रहना है, आंखों में आंखें डाल के अब सूरज से ये कहना है। धूप दे दे, छाव दे दे, दे दे चाहे घाव कई, खुद पे है इतना भरोसा, अब लगा दिए है दाव कई। अब करके वो दिखाना है जो नामुमकिन सा लगता है। अब करके वो दिखाना है जो नामुमकिन सा लगता है, तुझ में भी वो बात है, तू भी ये कर सकता है। ये सब कहते कहते चाचा की आंखों में आंसू आ गए। तब फौजी साहब ने मुस्कुरा के फिर से चाचा से कहा कि चाचा, आपके खातिर लड़ना यही तो कर्म है मेरा। चाचा आपके खातिर लड़ना यही तो कर्म है मेरा, और देश के खातिर बलिदान देना यही तो धर्म है मेरा। आंसू पोछ लो चाचा, मुझको मेरा फर्ज निभाने दो। आंसू पोछ लो चाचा, मुझको मेरा फर्ज निभाने दो। अगर कफन तिरंगा मिले तो मुझको भी मर जाने दो। पर मरते नहीं है फौजी, वो तो अमर जवान कहलाते हैं। पर मरते नहीं है फौजी, वो तो अमर जवान कहलाते हैं। दे के खुद का बलिदान, वो देश के काम आते हैं। सर्द हवा या तपती धूप हो, सब कुछ सहना पड़ता है। सर्द हवा या तपती धूप हो, सब कुछ सहना पड़ता है। घर वाले पूछते हाल, तब मैं ठीक हूँ कहना पड़ता है। इस रात में वो बात कहा जो हमको सता पाएगी। इस रात में वो बात कहा जो हमको सता पाएगी। दिल टूटता इस बात से कि अपनों की याद आएगी। अभी फिर जब युद्धर भूमि में जाते हुए लास्ट बात कहते हैं फौजी कि मेरी हिफाजत की दुआ करना, मेरी हिफाजत की दुआ करना, मुझे हंसते हुए रिहा करना। मेरी हिफाजत की दुआ करना, मुझे हंसते हुए रिहा करना, और युद्ध के बाद सबूत न मांगना, बस इतनी मुझसे वफा करना। अभी जब रणभूमि में फौजी पहुंची गए हैं तो दुश्मन को ललकारते हुए कहते हैं कि आंखें उठाकर देखने वाले, आंखें उठाकर देखने वाले, चमक हमारी सह नहीं सकता। आंखें उठाकर देखने वाले, चमक हमारी सह नहीं सकता। रास्तों में आने वाले, हट जा हमको दे दे रास्ता। रुकने का अब नाम नहीं, बस चलना है आराम नहीं। आंखों में अंगार है, तिरंगे का सम्मान है, भारत माँ का बेटा हूँ, नस नस में हिंदुस्तान है।
अभी गीदड़ चाल तुम चलते हो, बात किसकी हो रही हो आप समझ गए होगे। गीदड़ चाल तुम चलते हो, पीछे से वार तुम करते हो। गीदड़ चाल तुम चलते हो, पीछे से वार तुम करते हो। चलो हम पर एक एहसान करो, कभी तो सामने से वार करो। अभी गुफ्तगु यहाँ तक ही थी, फिर युद्ध शुरू हो जाता है। फिर मैंने कुछ लिखा हुआ है थोड़ा कि हवन कुंड मस्तों का झुंड बस यही गीत ये गाते हैं। हवन कुंड मस्तों का झुंड बस यही गीत ये गाते हैं। रहता जान का खतरा फिर भी हर पल ये मुस्काते हैं। कि रहता जान का खतरा फिर भी हर पल ये मुस्काते हैं। मुश्किल कितनी भी हो बड़ी हमको लड़ना सिखाते हैं। मुश्किल कितनी भी हो बड़ी हमको लड़ना सिखाते हैं। ये फौजी सीना ताने सीने पे गोली खाते हैं। पिंजरे में कैद पंछी कभी आज़ाद नहीं होते। पिंजरे में कैद पंछी कभी आज़ाद नहीं होते। कि कौन कहता है कि फौजी के जज्बात नहीं होते। पिंजरे में कैद पंछी आज़ाद नहीं होते। कि कौन कहता है फौजी के जज्बात नहीं होते। दर्द उन्हें भी होता है पर वो रो नहीं पाते। दर्द उन्हें भी होता है पर वो रो नहीं पाते। देश की रक्षा के खातिर वो सो नहीं पाते। बस अभी आखिरी है। कितने महान ये लोग हैं, क्या क्या इनके बारे में लिखूं। कितने महान ये लोग हैं, क्या क्या इनके बारे में लिखूं। मेरा भी एक सपना है, मैं भी इस वर्दी में लिखूं।